नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमानंद। ककोलत के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को अब बहुत जल्द ही बहुत कुछ बदलाव वहां देखने को मिलेगा। इको टूरिज्म के रूप में ककोलत जलप्रपात परिसर को डेवलप करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। गोविंदपुर के इलाके में आने वाला ककोलत जलप्रपात के बारे में तो सामान्यतः लोग जानते ही हैं कि वो वाटरफॉल है, शीतल जल का झरना, करीब 100-150 फीट ऊंचाई से गिरता है। गर्मी के सीजन में बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंचते हैं। हालांकि कोविड काल के दौरान से वहां आने जाने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है और अब उसे डेवलप करने पर काम शुरू किया गया है। दरअसल 27 मई 2022 की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और उन्होंने देखा था वहां का स्थिति को और उन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने को कहा था कि इसको इको टूरिज्म के रूप में कैसे डेवलप किया जाए। हालांकि 27 मई 2022 के पहले भी एक बार मुख्यमंत्री आए थे, उस समय भी उन्होंने ककोलत को डेवलप करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था, लेकिन कतिपय कारणों से काम प्रोग्रेस नहीं हो पाया था। बीच में कोविड काल वगैरह आ गया था, कुछ काम हुआ भी था, लेकिन अब दिन पूरी तरह फिरने वाले हैं ककोलत के। बहुत दिन तक इतिहास और डेवलपमेंट से ओझल रहा, इतिहास तो उसका है लेकिन डेवलपमेंट जो होना चाहिए था, जिस प्रकार उसका संरक्षण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया था, लेकिन अब होगा। वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गोविंदपुर के, मोहम्मद कामरान, वो काफ़ी एक्टिव हैं इन दिनों। बताया जाता है कि उनका पहल रंग लाया है और करीब 15 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, करीब 14 करोड़ 95 लाख रुपए के आसपास का एक योजना, मतलब वहाँ का जो DPR जो बनाया गया था डेवलपमेंट के लिए, उस पर 14 करोड़ 95 लाख रुपया करीब स्वीकृत हुआ है और 6 करोड़ 70 लाख रुपया के करीब जो है सो 2022-23 का ये जो वित्तीय वर्ष था उसके लिए आवंटित भी हुआ था और रेस्ट अमाउंट अगले वित्तीय वर्ष में आवंटित होगा। तो वहाँ क्या क्या बनना है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें, क्या क्या वहाँ सौंदर्यीकरण के रूप में होना है। तो एक तो झरना के आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप किया जाएगा, वहाँ जो है चेंजिंग रूम वगैरह बनाया जाएगा, थोड़ा सा उसको आकर्षक लुक दिया जाएगा, एक ये है। दूसरा है कि सीढ़ी, जो जहाँ तहाँ बीच में सीढ़ी बना था लेकिन सीढ़ी जहाँ तहाँ क्षतिग्रस्त हो गया था आपको लैंडस्लाइडिंग के चलते, तो बहुत सारे चट्टान उट्टान रास्ते में आ गया था, उसको हटाने का काम किया जाएगा। और जो बराबर जो पत्थर जो ऊपर से नीचे सरक कर आता है या गिरता है, तो उसको जो है सो जाली लगाकर उसको ब्लॉक करने का प्रयास किया जाएगा ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की का रिस्क ना आए विशेष परिस्थितियों में। तो एक तो दो काम ही हो गया। इसके अलावा वो ये नीचे ककोलत का जो नीचे का परिसर है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, वाहन वगैरह पार्क करने के लिए प्रशासकीय भवन बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस बैरक का भी निर्माण वहाँ पर कराया जाना है, एक पार्क भी डेवलप करने का योजना है वहाँ पर प्रस्तावित है, यात्री शेड का निर्माण होगा, वेंडिंग जोन, मतलब जो छोटा मोटा दुकान वहाँ पे लगाया जाता है सीजन के दौरान, उसके लिए एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा कि उन दुकानदारों को आवंटित किया जाए। कारण कि अभी ककोलत का जो मार्ग है उसी मार्ग में जहाँ वहाँ लोग खाना दाना बनाते हैं या होटल वगैरह संचालित होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान होता है वहाँ पे, तो इसको लेकर के एक वेंडिंग जोन बनाने का भी प्रस्ताव है। पार्किंग का तो बता ही दिए, चट्टान को रोकने के लिए चट्टान को स्टेबलाइज किया जाएगा, इसके लिए जाली लगाया जाना है, ये सारा काम वहाँ पे होना है। तो ये काम जो होगा तो इसको लेकर तत्काल जो है सो उस परिसर में अभी लोगों को, सैलानियों को आने जाने को रोका गया है, काम भी करीब करीब सुनते शुरू हो गया है। तो जल्द ही ककोलत एक नए स्वरूप में
सैलानियों को दिखेगा, लोकल सैलानी तो है ही, इसके अलावा आपको देसी विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं, जो लोग बोधगया राजगीर वगैरह पहुँचते हैं उनको भी जानकारी मिलते हैं, ककोला तक पहुँचते हैं। स्कूल के में जो परिभ्रमण बच्चों को कराया जाता है तो टीचर लोग ककोलत लेकर भी पहुँचते हैं उन बच्चों को। तो अभी स्थिति यह है कि मतलब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो मार्च अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल मई जून इस महीने में एक एक दिन में 50,000 लोग पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाओं का घोर अभाव था इसलिए लोग को परेशानियाँ होती थी। अब ये सब डेवलपमेंट होने के बाद वो वहाँ जो है सैलानी रुक पाएंगे और उनको थोड़ा सा सुविधा भी मिल पाएगा, और पार्क वगैरह का निर्माण होने के बाद ठहराव भी होगा, अगर शेड वगैरह बन जाता है यात्रियों को ठहरने वहरने का कुछ उस टाइप का तो बेहतर होगा। तो एक अच्छी खबर थी, हमको लगा कि आपको जानकारी बाद अपने दर्शकों को अपने व्यूअर को दे दें। तो बहुत जल्द ही ककोलत का दिन सुधारने वाला है। दोस्तों इससे संबंधित कुछ वीडियो हमारे पास है, जो कि मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनका दौरा हुआ था, तो चलिए हम उस वीडियो को भी आपको इसके साथ हम दिखा देते हैं ककोलत का। एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। सीढ़ी से लेकर के एक एक चीज के बारे में इधर मेरे मन में बात आई कि जो कुछ भी कह करके आए हैं क्या क्या हुआ उसको देखेंगे, इसीलिए आज हमारे ये बाकी सब बहुत सारा चीज़ होना बाकी है, क्योंकि ये रास्ते में कोई ज़रूरत नहीं, सब किनारे में यहाँ पर इंतजाम किया है, यहीं पर दुकान रहेगा, यहीं पर खाने का इंतजाम, और जो लोग भी आएंगे उनके बाथरूम वगैरह सब के लिए सब तरह का इंतजाम इधर करना, और यहाँ से लेकर के इधर से सिर्फ जाने का और हर तरह से सुविधा, जो जल आता है उसको देखेंगे कि ठीक पवित्र और ठीक ढंग से रहेगा, ये सारी बातें हुई थी और उसमें लोगों से भी हमने बात की। आज हमारी इच्छा भी क्या करके देख ले, अब बीच में तो 2 साल से कोरोना का चक्कर था, हम तो आकर के देख लिए, अब फिर हमने इन लोगों को कहा है कि भाई जो समय जो बात हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए काम तो किया है, अभी बाकी सब चीज़ का सब देख सकते हैं, हमारे देखने के लिए और बहुत पवित्र स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थल है, यहाँ पर आने में भी देखिए कितने लोग आए देख रहे हैं, तो हम तो तुरंत निकलते हैं ताकि उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।